पूज्य प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब यांच्या सुमधुर वाणीतून पुणेकरांना महावीर गाथा ऐकण्याची संधी लाभली आहे. या गाथेचे थेट प्रक्षेपण आनंद दरबारचे अध्यक्ष बाळासाहेब धोका यांच्या संकल्पनेतून युवा संवाद न्यूज लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत. आज महावीर गाथेचा दुसरा दिवस परमपूज्य प्रवीण ऋषीजी महाराज साहेब यांनी भगवान महावीर सर्वसामान्यातून कसे घडले याचे विवेचन उपस्थित धर्मसभेत सांगितले. पुणे तिथे काय उणे या म्हणीप्रमाणे या स्तुत्य उपक्रमास पुणे येथील कर्तव्यनिष्ठ श्रीमान राजकुमारजी हुकमीचंदजी चोरडिया, भामाशह श्री रमणलालजी कपूरचंदजी लुंकड, प्रवेशद्वार श्रीमान लखीचंदजी बन्सीलालजी खिंसरा, महाप्रसादीचा लाभ श्रीमान राजेशजी पन्नालालजी नहर, बस सेवा आदी भाग्यवंतांना महावीर गाथेची मोठी सेवा करण्याचा लाभ मिळाला. दररोज कार्यक्रमाप्रसंगी दोन भाग्यवंतांना सन्मानित करण्यात येते. आयोजक विजयकांजी कोठारी, पोपटलाल ओस्तवाल, विलास राठोड, बाळासाहेब धोका, अनिलजी नहर आणि सकल संघाच्या वतीने येणाऱ्या सर्व भाविकांचे स्वागत केले जाते. आज पुणे परिसरात ढगाळ वातावरण आणि पाऊस होण्याची शक्यता असून देखील मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी गर्दी केली होती. यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. महावीर गाथा कार्यक्रमाचे आयोजन पुणे जैन सकल संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे. पाहुयात उपस्थितांना संबोधित करताना महाराज सा काय म्हणाले ते. लेकिन घर जाने के बाद बात करी तो श्रीमान जी ने बेटों ने पूछा उसको काम महावीर का जितने हंसे उनके सबके मन में सवाल होगा निश्चित रूप से होगा. यदि आपके सामने आम की कोई मेरे पूछ तो क्या उसमें आप आम का पेड़ देख पाओगे. नहीं. लेकिन क्या आम की कोई के बिना आम का पेड़ हो सकता है. कल की कथा ये महावीर का बीज था. क्या था? बीज था. सीड. उस सीड की कथा थी. वो वृक्ष की कथा नहीं थी. इसलिए वहां महावीर आपको दिखेगा नहीं. बीज में कभी भी फल दिखता नहीं. बीज में फल छिपा हुआ दिखता है. और किसान उसी को कहते हैं जो बीज में फल देखता है. कस्टमर उसको कहते हैं जो फल को देखता है. तो कल की जो कथा थी वो महावीर की बीज की कथा. वो बीज, उस बीज को यदि आप पकड़ोगे तो महावीर बनने की यात्रा शुरू होगी. और बीज छूट गया तो महावीर हाथ में नहीं आएंगे. मैं बात को थोड़ा सा और प्ले कर दूं आपके सामने. दिक्कत क्यों जाती है. राम का जीवन में कैसे भी शुरू कर दू आपके समझ में आ जाता है. श्री कृष्ण की बात में कैसे भी शुरू करूं आपके समझ में आ जाती है. क्यों आपने इतनी बार सुना हुआ है उसको कि लिंक लग जाती है. महावीर भगवान का पहली बार सुन रहे हो लिंक लगना बहुत मुश्किल जाती है. और मुश्किल इसलिए भी जाती है कि जब भी आपने भगवान ये शब्द सुना है तब आपके पास एक ही कल्पना आती है दिमाग में कि कोई दिव्य और महाभगवान ऊपर से नीचे उतर रहा है. बहुत सारी शक्तियां लेकर के आया है. अवतार हो गया है. धरती का पाप दूर करने के लिए वो धरती पर आया है. दुष्टों को समाप्त करने के लिए वो धरती पर आया है. रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था इसलिए राम आए. कौंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था इसलिए श्री कृष्ण आए. ये आपके दिमाग में ठीक है. लेकिन महावीर के सामने कोई कौंस नहीं है.
महावीर के सामने कोई रावण नहीं है। महावीर किसी कंस को समाप्त करने के लिए नहीं आए, किसी रावण को समाप्त करने के लिए नहीं आए। और ये जो कथा है इसमें डिफरेंट हो जाती है कि महावीर निर्मित होते गए, बनते गए, वो थे नहीं महावीर, वो महावीर थे नहीं, वो महावीर बने। लोग आपके समझ पाए, महावीर थे नहीं, महावीर बने। राम थे, राम हुए, श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण हुए, जीसस भगवान का बेटा, भगवान के बेटे रूप आए। लेकिन महावीर किसी भगवान के बेटे नहीं है, महावीर किसी भगवान के अवतार नहीं है, महावीर भगवान बने हैं। ये कथा आपके लिए, दुनिया के लिए इसलिए जरूरी है, ये कथा आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए इसलिए जरूरी है कि जब भी हम राम की बात करते हैं अपने दिमाग में एक ही बात आती है, अरे वो राम था, उनके पास दैवीय सामर्थ्य था, वो ऐसा कर सकते थे, हम तो राम नहीं है, हम केवल राम की पूजा कर सकते हैं, राम का नाम ले सकते हैं, राम जैसा जी ले सकते हैं। लेकिन भगवान महावीर को लेकर के अब ऐसा नहीं बोल पाओगे कि भगवान महावीर जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, वैसे एक समय में बोलो जैसे हम आज है, वैसे वो। कथा इसलिए सुन रहे हैं कि जैसे आज वो है वैसे कल हम